हेलो गाइस, सुनने वाले मतलब ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और अभी हम सो के उठ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया आज, 7 साढ़े 7 बज गया है। और देखिए क्या होता है, नहीं होता है दिन भर में। अब मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, आज शायद बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हम अभी ललमटिया में हैं, तो मज़ा आने वाला है ललमटिया में आपको। चलिए दिखाएंगे आपको नज़ारा, लेकिन उससे पहले फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, उसके बाद कब कहाँ जाएंगे फिर आपको बताएंगे। तो जैसे कि आपको बताए थे कि आज दिन भर में क्या होगा नहीं होगा, बट पता नहीं, पर पप्पू भी अचानक से फ़ोन किया, बोलता है साहिबगंज जाना है, तो पप्पू भी आ चुके हैं। अब हम दोनों निकलेंगे साहिबगंज। क्या भैया? साहिबगंज। और अपना धन्नो इधर लगा हुआ है, उसी धन्नो से निकलेंगे, बैग टांग लेते हैं। चलिए आगे क्या नज़ारा है देखिए तब तक। और ये आप यहाँ बोर्ड देख सकते हैं, मात्र यहाँ से साहिबगंज जो है ना 35 किलोमीटर है। अब इस रास्ते हम लोग अभी बोरियो पहुँचे नहीं है, बोरियो पहुँचेंगे मात्र 35 किलोमीटर। और फाइनली हम लोग जो है ना बोरियो पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर होगा साहिबगंज। सोचे थोड़ा कुछ चाय पी लेते हैं, तो चाय पी के निकलेंगे यहाँ से। देखिए चाय तो बन रहा है हमारा, उसके बाद वो भी ऐसा था थक गया, रेस्ट कर रहा है। चाय का टेस्ट आपको बता रहे हैं थोड़ा देर में, आप जुड़े रहे। इधर ज़्यादा गर्म है, आराम से। गर्म नहीं लग रहा है? गर्म लग रहा है, गर्म लग रहा है। चले मिलते हैं आगे। चाय अच्छा लग रहा है, हम पियेंगे तब ना पता चलेगा, हवा बना दिया सिर्फ। चलिए मिलते हैं आगे फिर। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सीधा चला गया, ये हरिनकोल मोड़, इसको कहा जाता है हरिनचरा मोड़। अगर आप सीधा चल गए राजमहल, तीन पहाड़, और इस रूट से आप हम लोग जाएंगे साहिबगंज, यहाँ आपको बोर्ड दिखने को मिलेगा। मोती झरना 41 किलोमीटर, महाराजपुर 39 किलोमीटर, साहिबगंज 28 किलोमीटर। मतलब आप यहाँ से इधर हम लोग चल गए साहिबगंज और वो रोड चला गया तीन पहाड़। इधर से शायद पहाड़ियों का कुछ पड़ता है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे। लोग साहिबगंज की पहाड़ियों से गुजरेंगे, और ये बोर्ड पे आप नजर डालिए, बहुत ही मस्त दर्शाया गया है, आप लोग पढ़िए। यहाँ से अब टर्निंग ही टर्निंग नजर आएगा, मतलब जिलेबिया मोड़ कहा जाए तो साहिबगंज जो हम लोग जाते हैं उस रास्ते को ना जिलेबिया मोड़ कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टर्निंग है, बिल्कुल जिलेबी की तरह। चलिए मिलिए आगे। आगे भी देखिए आप, फिर टर्निंग। अरे देखिए आप टर्निंग, अरे बाप रे। अरे साइकिल वाले का आप कलाकारी देख सकते हैं, इतना लकड़ी के साथ कलाकारी। पहुंच बंदूक पटेल चौक, यहाँ से हम लोग चलेंगे इधर। और ये साहिबगंज रेलवे स्टेशन, ये देखिए आप कलाकारी। और ये हमारा देश का शान ऊपर में लहराता हुआ, और ये है अपना युग स्मृति, अंग्रेज जमाने का, मतलब हाँ अंग्रेज जमाने का रेल है, तभी का कलाकारी, अंग्रेज ने बनाया था ऐसा। कोयला इंजन है, कोयला से तभी चलता था ये ट्रेन ने, अभी तो बिजली आ गया है ना। और फाइनली जो है ना साहिबगंज से हम लोग वापस जा रहे हैं, जो भी पप्पू भैया का पर्सनल काम था वो हो चुका है। साहिबगंज का फाटक, हाँ, और ये रेलवे फाटक अभी हम लोग क्रॉसिंग यहाँ पार कर रहे हैं, और पप्पू भैया का जो पर्सनल काम था वो हो गया। आप लोग को बता नहीं सकते क्या काम था, बट यहाँ कम्प्लीट हो चुका है। अब निकलते हैं यहाँ से घर की ओर, और देखते हैं क्या होने वाला है। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अब जितना देर जाने में लग जाए, क्या बोलो यार, जाने में लग जाएगा 1.5-2 घंटा। गाइस तो साहिबगंज से हम आने में लेट हो गए, और शाम के अभी 6 बज चुका है, और थोड़ा आके फ्रेश फ्रेश हो गए क्योंकि थक गए थे बहुत ज्यादा, धूल वगैरह उड़ रहा था। तो चलिए इस तरह जुड़े रहे, बने रहे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।